हेलो एवरीवन, मैं अभिनव प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क डायग्राम के बारे में। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब पढ़ाई करेंगे तो आपको ये टॉपिक वहाँ मिलेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में जो हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन होगा वो है कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट नेटवर्क्स, प्रोजेक्ट नेटवर्क्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट नेटवर्क्स। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, जहां पर हम अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश कैलकुलेट करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में, जहां पर हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल स्लैक और फ्लोट को। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल पाथ। एंड फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब हमारा कुछ एजेंडा डिस्कशन होगा इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और आई वुड से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि रिलेटेड है प्रोजेक्ट नेटवर्क्स के साथ। तो आप प्रोजेक्ट नेटवर्क को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होगी आपका एक्टिविटी ऑन एरो, जिसको हम AOA भी बोलते हैं, और एक आपका हो गया एक्टिविटी ऑन नोड। ओके, तो आप इन दोनों की मदद से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड। इसकी मदद से हम प्रिपेयर करेंगे अपना प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे, एक्टिविटी ऑन एरो, उसकी मदद से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोजेक्ट नेटवर्क वो हम किसी डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। तो जब हम एक्टिविटी ऑन नोड डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। फाइन, तो देखिए जो एक्टिविटी ऑन नोड है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंटली और आई वुड से प्रीडोमिनेंटली यूज होता है व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पर एक्टिविटी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नोड के द्वारा, ठीक है। अब वो क्या होता है, देखिए जैसे मान लो सपोज मेरा एक एक्टिविटी ए है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक नोड के द्वारा। तो देखोगे आपकी जो एक्टिविटी ए है वो एक बॉक्स के अंदर में लिखा हुआ है, तो ये आपका एक नोड हो गया। आप बहुत जगह ये भी देखोगे कि वो एक इंस्टेड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स वो आपका होगा एक सर्कल के फॉर्म में होगा, उसके अंदर आपका एक एक्टिविटी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक नोड के द्वारा। आप आइदर इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में हम एक्टिविटी को लिखेंगे जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नोड है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक्टिविटी, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे देखिए हमारा एक एक्टिविटी ए है और आई वुड सी जो नोड है मेरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी ए को, और यहाँ पर एक मेरा नोड है बी, ठीक है। इसके बीच में देखिए एक एरो है, ठीक है, और ये एरो देखिए डायरेक्टेड है टुवर्ड्स बी। फाइन, ये मेरा क्या हो गया एरो। तो ये एरो क्या सिग्निफाई करता है, ये एरो बताता है आपका डिपेंडेंसी को बताता है अमोंग द एक्टिविटीज। ये दिस एरो टॉक्स अबाउट द डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी अमोंग एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा एक्टिविटी बी है, ठीक है, उसका प्रीडेसेसर एक्टिविटी हमारा क्या हो गया ए हो गया। तो बी का प्रीडेसेसर क्या है हमारा ए, और ये जो एक्टिविटी ए है उसका सक्सेसर एक्टिविटी क्या हो गया हमारा ये बी हो गया, ठीक है, सक्सेसर हो गया। इस तरह बी का प्रीडेसेसर हो गया हमारा ए। इस ए का देखिए ये जो मेरा एक्टिविटी ए और ये जो नोड है इसका कोई भी आपका देखिए प्रीडेसेसर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये जो मेरा एक्टिविटी बी है इसका कोई भी आपका सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो मेरा एरो है इससे मुझे क्या पता चलेगा, डिपेंडेंसी पता चलेगा अमंग एक्टिविटीज। और ये जो मेरा एक्टिविटी बी है ये तभी स्टार्ट होगा जब हमारा एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या समझा कि हम एक्टिविटी को एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो हमारा बताता है डिपेंडेंसी अमंग द एक्टिविटीज। फाइन, अब देखिए सपोज हमारा एक एक्टिविटी ए है, ठीक, और यहां मान लीजिए बी है और सी है। एक एरो हमारा ऐसे आया और एक एरो हमारा मान लीजिए ऐसे आ रहा है। तो अब देखो आप यहां पर ये जो मेरा एक्टिविटी ए है इसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है, ये जो एक्टिविटी बी है इसका देखिए प्रीडेसेसर एक्टिविटी क्या है ए है, और ये जो एक्टिविटी सी है मेरा इसका प्रीडेसेसर एक्टिविटी भी क्या है आपका ए है। फाइन, हमने क्या बोला एरो आपका डिपेंडेंसी बताता है अमंग एक्टिविटीज। तो देखो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से एक से ज्यादा एरो निकल रहा है, दैट मींस ये जो मेरा एक्टिविटी ए है उसको हम बर्स्ट एक्टिविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बर्स्ट एक्टिविटी, क्लियर, बिकॉज देखिए यहां से एक से ज्यादा एरो मेरा निकल रहा है। अब अगर मान लीजिए सपोज हमारा एक ऐसा
नेटवर्क रहता है। जैसे मान लो सपोज यहां पर हमारा है एक एक्टिविटी जेड, ठीक, यहां पर मान लीजिए ए है, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। यहां से मान लीजिए एरो ऐसे आ रहा है, ठीक, यहां से एक एरो आपका ऐसे आ रहा है और यहां से हमारा एक एरो ऐसे आ रहा है। तो देखिए यहां जो मेरा एक्टिविटी जेड है उसमें देखिए एक से ज्यादा एरोस यहां पर मर्ज हो रहे हैं, तो इस एक्टिविटी जेड को हम क्या बोल सकते हैं, मर्ज एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो मेरा एक्टिविटी जेड उसका प्रीडेसर क्या है, ए है, बी है एंड सी है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो मेरा एक्टिविटी जेड है वो तभी स्टार्ट होगा जब आपके सारे एक्टिविटी दैट इज ए बी एंड सी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर। अब हम एक दूसरा डिजाइन लेते हैं जहां पर हम और भी कुछ फंडामेंटल्स को और भी कुछ जो रूल्स है उसको समझेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपका एक एक्टिविटी ए है, ये एक नोड है मेरा और ये दूसरा नोड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी बी को, यहां पर एक थर्ड नोड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी सी को और यहां पर एक मेरा फोर्थ नोड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी डी को। एक एरो मान लीजिए ऐसे करके आता है, ठीक है, और एक एरो ऐसे जा रहा है, बी से एक एरो देखिए यहां पर सी में गया और एक एरो ऐसे करके डी में गया, फाइन। तो अब यहां पर देखो कि जो एरोज है वो देखिए आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, एरोज की लेंथ भी डिफरेंट है, एरोज का स्लोप भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो भी नेटवर्क होता है प्रोजेक्ट नेटवर्क उसमें अगर आपका एरोज क्रॉस कर रहा है या उसका लेंथ डिफरेंट है या उसका स्लोप डिफरेंट है तो वो एक समझिए कि वो एक आर्बिट्रेरी चीज है, उससे आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि आपका एरोज जो वो क्रॉस कर सकता है, उसका लेंथ भी डिफरेंट हो सकता है, उसका स्लोप भी डिफरेंट होता है, हो सकता है, और ये हम बेस्ड अपॉन अवर कन्वीनियंस हम ऐसा करते हैं, उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है यहां पर, क्लियर। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरो होता है वो आपका डिपेंडेंसी बताता है। जैसे यहां पर देखिए जो एक्टिविटी सी है उसका प्रीडेसर आपका ए हो गया एंड बी हो गया, उसी तरह आपका जो एक्टिविटी डी है उसका आपका देखिए प्रीडेसर आपका क्या हो गया, ए हो गया एंड आपका एक्टिविटी बी हो गया उसका प्रीडेसर, बिकॉज देखिए एरो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डी का प्रीडेसर ए है एंड आपका बी है, क्लियर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को प्लॉट करेंगे, फाइन। तो देखिए हमारे पास यहां पर एक कॉलम में एक्टिविटी दिया हुआ है और ये प्रीडेसर दिया हुआ है, दैट इज प्रीडेसर एक्टिविटी दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा था कि सपोज हमारे पास एक नोड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी ए को, ठीक है, और एक नोड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी बी को, ठीक, उसके बीच में एक एरो आपका दिया हुआ है, ठीक है, और ये एरो देखिए आपका ए से बी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स हमारा बी आपका क्या हो गया, ए का सक्सेसर हो गया और आपका जो ए है वो आपका क्या हो गया, बी का प्रीडेसर हो गया, ठीक है। ये ए का देखिए कोई प्रीडेसर एक्टिविटी नहीं है, उसी तरह बी का कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है, तो हमारा एरो क्या बताता है, वो डिपेंडेंसी बताता है अमंग एक्टिविटीज, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हमारा यहाँ जो एक्टिविटी ए है उसका प्रीडेसर कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां पर एक नोड बनाया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी ए को, इसका प्रीडेसर कुछ भी नहीं है। ये देखिए एक्टिविटी बी उसका प्रीडेसर क्या है, हमारा ए है, हमने क्या बोला एरो क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको डिपेंडेंसी अमंग द एक्टिविटीज, तो बी का प्रीडेसर क्या है, हमारा बी जो हमारा एक्टिविटी है उसका प्रीडेसर है ए, दैट मीन्स हमारा एरो जो है वो ए से निकलेगा और बी में जाकर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो देखिए अब बी जो मेरा एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी हमारा बी है उसका प्रीडेसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, दैट मीन्स हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए हमारा जो एक्टिविटी सी है उसका प्रीडेसर हमारा क्या है, बी है, तो इसका मतलब बी से एरो निकलेगा और सी में जाकर मिलेगा, दैट मीन्स नोड बी से एरो मेरा निकलेगा और वो नोड सी में जाकर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा देखिए एरो निकला, यहां से हमारा एरो निकला और ये सी में जाकर ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए सी जो हमारा एक्टिविटी है उसका प्रीडेसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया, तो हमने ये वाला भी जो था कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारा एक्टिविटी क्या है, डी है, उसका प्रीडेसर क्या है, सी है, तो इसका मतलब सी से एरो निकलेगा और आई वुड से नोड सी जो नोड है जो कि एक्टिविटी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां से एरो निकलेगा और वो जाकर एक्टिविटी डी में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए
हमारा सी से एरो निकला और ये एक्टिविटी डी में जाकर मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब डी का हमारा प्रीडेसेसर क्या हो गया, सी हो गया, तो हमने ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, एक एक्टिविटी ई है उसका प्रीडेसेसर सी है, एक एक्टिविटी एफ है उसका प्रीडेसेसर भी क्या आपका सी है, ठीक है। ओके चलिए, तो एक्टिविटी हमारा क्या है, ई है जिसका प्रीडेसेसर सी है, तो हम यहां से हम एक एरो निकालते हैं, ठीक, और यहां पर हम एक नोड ई देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी ई, ठीक। इस एक्टिविटी ई का प्रीडेसेसर हमारा क्या है, सी, तो ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। एक दूसरा एक्टिविटी है एफ जिसका प्रीडेसेसर हमारा सी है, तो इसका मतलब एरो हमारा सी से निकलेगा और एफ में जाएगा, तो हम यहां से एक एरो सी से निकाले और वो जाकर मिल गया हमारा नोड एफ में, जो कि हमारा एक्टिविटी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड में जाके मिल गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हमारा एक्टिविटी एफ को, ठीक है। अब देखिए हमारा ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखो हमारा एक एक्टिविटी जी दिया हुआ है जिसका प्रीडेसेसर है डी ई एफ, फाइन। तो हमने डिस्कस किया था मर्ज एक्टिविटी के बारे में, जहां हमने आपको दिखाया था कि एक सपोज एक्टिविटी ए है, ठीक है, एक एक्टिविटी बी है और एक एक्टिविटी सी है, ठीक, और यहां पर एक जेड आपका एक एक्टिविटी था, ठीक है, और हमने दिखाया कि ए से एरो आ रहा है जेड में जाके मिल रहा है, बी से एरो आ रहा है जेड में जाके मिल रहा है, और सी से एक एरो आ रहा है जो कि जेड में जाके मिल रहा है, मतलब जेड का प्रीडेसेसर हो गया आपका ए बी एंड सी, फाइन। तो देखो यहां पर एक से ज्यादा एरो एक एक्टिविटी में जाके मर्ज कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया, जेड हमारा मर्ज एक्टिविटी हो गया, ये हमने डिस्कस किया था। देखिए वही केस आ गया यहां पर भी, ठीक है। तो यहां पर देखो आप एक एक्टिविटी जी है जिसका प्रीडेसेसर है डी ई एफ, तो मैं यहां पर नोड बनाता हूं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी जी को। इस एक्टिविटी जी का प्रीडेसेसर क्या है, डी ई एफ, तो एक डी से मेरा एरो आया ऐसे करके, एक मेरा ई से एक ऐसे एरो आया और एक मेरा एफ से ऐसे करके एरो आया, ठीक है। तो ये हमारा जी क्या हो गया, मर्ज एक्टिविटी हो गया, ये देखो ये जो मेरा एक्टिविटी सी है इससे एक से ज्यादा एरो निकल रहे थे, इसका मतलब सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा बर्स्ट एक्टिविटी हो गया। तो देखिए हमने जो भी फंडामेंटल्स और आई वुड से जो भी हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसको हमने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से इस नेटवर्क डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है। अब देखो एक चीज नोटिस करो आप, ये जो एरोज है वो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो जो नेटवर्क होता है उसमें जो एरोज होते हैं वो टिपिकली और आई वुड से यूजुअली आपका आमतौर पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये एरो मेरा क्या बताता है, ये फ्लो को बताता है, ठीक, और डिपेंडेंसी को बताता है अमंग एक्टिविटीज, क्लियर। तो हमने ये एक रूल समझा। दूसरा अगर हम देखेंगे एक चीज को, तो अब देखो कि ये जो एरो है ये ए से निकला बी में गया सी में फिर आया, फिर सी से देखिए तीन एरोस निकल रहे हैं, तो ये एरो आप देखो कहीं भी लूपिंग फॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मींस नेटवर्क डायग्राम में लूपिंग इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लो सपोज ये मेरा एक्टिविटी ए है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक्टिविटी डी है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक्टिविटी बी है और ये मान लो हमारा एक्टिविटी सी है, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि एरो यहां से निकला फिर एरो यहां से ऐसे आया फिर ये एरो ऐसे जाके मिल गया, ये लूपिंग अलाउड नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि एक एरो यहां से निकला वापस फिर वो घूमकर ए में आ गया, ऐसा तो कहीं भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लूपिंग आपका जो है वो अलाउड नहीं है, लूपिंग इज नॉट अलाउड। दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ डेवलपिंग अ नेटवर्क डायग्राम, लूपिंग इज नॉट अलाउड, फाइन। तो हमने यहां देखा कि एरो क्या बताता है, हमारा बताता है डिपेंडेंसी को, और टिपिकली जो आपका नेटवर्क डायग्राम होता है उसमें जो आपका एरो का फ्लो है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, कोई भी लूपिंग अलाउड नहीं होता है। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कुछ रूल्स के बारे में, बेसिक रूल्स अपार्ट फ्रॉम दैट बर्स्ट एक्टिविटी मर्ज एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे आपका नेटवर्क डायग्राम क्रिएट किया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन क्रिटिकल पाथ मेथड क्रिटिकल पाथ एंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।